हाय दोस्तों, मेरा नाम है नंदकिशोर यादव, छत्तीसगढ़ से जी। जैसे कि यहाँ टेकिया एशिया टेलीकॉम में आने से पहले सर ने एक वादा किया था कि आपको चौथे दिन में ही ऑन सेट से सीपीयू रिबॉन करके लगाना है, मतलब लगा के चालू करके दिखाना ही है जी। मतलब ये वादा किए थे जो वाकई में सच करके भी दिखाए हैं। जैसे कि बोले पहला दिन अपना डुअल डेकर में EMMC का से वो रिवॉल्विंग था, सेकंड डे में डुअल डेकर सीपीयू। कौन से एक्सटेंशन से किया आपने? यूनिवर्सल एक्सटेंशन। यूनिवर्सल एक्सटेंशन से कितनी बार करा आपने? ये दो बार किया था मैं। दो बार किया जी। तीसरे दिन क्या किया? तीसरे दिन लाइव ऑन सेट से लाइव पावर ऐसी रिवॉल्विंग करके लगा के ऑन किए। कितनी बार करा? ये दो बार किया था। दो बार किया। चौथे दिन में अपन ऑन सेट से सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके फिर से लगाए। कितनी बार लगाया आपने? ये दो बार किया। दो बार लगाया। और आज क्या किया आपने? आज जो है ना अपने पीसीबी में जितने भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सिम ट्रे हो गया, कैमरा ट्रे जैक हो गया, सीसी जैक हो गया, चार्जिंग जैक, जितना भी और सब वो प्लास्टिक कंपोनेंट जो होते हैं वो निकाल के फिर से लगाए हैं, वो भी ऑन सेट में। अच्छा जी, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो थैंक यू, मतलब बिग बिग थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो उसको बोलना चाहेंगे। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी। अशोक जी, नेपाल से हैं आप? जी सर, मैं नेपाल से। मैं जानना चाहता हूँ आपने पहले दिन में क्या किया था? सर पहले दिन में MMC रिबॉलिंग की थी सर। दूसरे दिन में क्या किया था आपने? दूसरे दिन में CPU रिबॉलिंग करी थी। और तीसरे दिन में आपने? तीसरे दिन हमने पावर IC किया था सर। ठीक है, और चौथे दिन में क्या किया था आपने? चौथे दिन में हम लोग जो चालू सेट का CPU निकाल के रिवॉल्विंग करके फिर लगा के चालू किया था सर। तो आपका फ़ोन चालू हो गया था? चालू हो गया था सर। चलिए ठीक है, आज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या कॉन्सेप्ट था आज आपका? आज ये जो मदरबोर्ड में होता है ना, ये बैटरी कनेक्टर प्लास्टिक कंपोनेंट जितना है ना सब रिमूव करके फिर लगाया सर। दोबारा सर। तो इसमें से कौन कौन सा कंपोनेंट आपने निकाल के लगाया? सर इसमें ये डिस्प्ले कनेक्टर, ये बैटरी कनेक्टर, इसमें ये दो थे, दूसरे में केबल और डिस्प्ले जैक। जी सर। चालू हुआ फोन आपका, डिस्प्ले आ रहा है? जी सर। दिखाइए जरा। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने चालू फोन से डिस्प्ले कनेक्टर निकाल के दोबारा से लगाया और डिस्प्ले भी आया है। और ये हमारा एक हफ्ते का कॉन्सेप्ट है हैंड स्किल के ऊपर। चलिए, मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या बोलना चाहेंगे आप एशिया टेलीकॉम के सर? मैं तो एशिया टेलीकॉम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, स्पेशली देव सर का, मैं वहाँ का एकदम आभारी हूँ सर। सर मेरा नाम राजू मौर्य, मैं लखनऊ UP से आया हूँ। और एशिया टेलीकॉम में पहले दिन जो मैं आया तो यहाँ पर डबल डेकर CPU रिवॉल्व करवाया गया, उसके बाद दूसरे दिन पावर IC रिवॉल्व करवाई गई, तीसरे दिन 4G CPU चालू फोन में से निकाल के लगाया। अच्छा, नहीं तो दूसरे दिन जो आपकी पावर IC क्लास थी तो पावर IC निकाल के खाली रिवॉल्व करी आपने क्या? जी, रिवॉल्व करके ऑन फोन में से निकाल करके फिर से लगाया सर, ऑन करके दिखाया। अच्छा, चौथे दिन क्या किया आपने? चौथे दिन CPU निकाल के ऑन फोन में से निकाल के लगाया सर। और आज क्या किया आपने? आज सर मेरा काम ये था कि मतलब फोन में जितने भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स हो, जैसे डिस्प्ले कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर, सेंसर, हाइब्रिड सिम ट्रे, डिस्प्ले कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, जितना भी होता है सब कुछ A to Z फोन में कोई ऐसा कनेक्टर नहीं है जो मैं लगा नहीं पाऊँगा। आज आसानी तरीके से ऑन फोन में से निकाल के सब कुछ लगाया। हम दूसरे दिन डुअल डेकर का CPU रिवॉल्व किए। अच्छा, कौन सी एक्सटेंशन से किया आपने? यूनिवर्सल एक्सटेंशन। और तीसरे दिन क्या किया? तीसरे दिन हमने लाइव चालू मोबाइल से पावर IC निकाल के उसको लगा के फिर से चालू किया है। चौथे दिन क्या किया? चौथे दिन हमने 4G सेट MI का उसका CPU रिवॉल्व किए, निकाले चालू सेट का, फिर उसको चालू किया। और आज क्या क्लास थी आपकी? आज हमारी कंपोनेंट की क्लास थी, बाकी जो भी PCB में जितनी भी सारी कंपोनेंट था, प्लास्टिक की जैक वगैरह, सबको हमने निकालना बैठाना सब सीखा। तो क्या बोलना चाहेंगे आप आखिरी में? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सीखे तो बहुत कुछ है, बट जानते नहीं थे कि करना क्या है, कैसा होता है काम, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि काम होता क्या है असल में। पावर IC को चालू फोन से चालू फोन पर ही लगा दिया, ऑफिस निकाला, लगाया, रिवॉल्व करा, ऑफिस लगाया। चौथे दिन YouTube पर वीडियो भी है,
वो भी डली है मेरी। अच्छा, और चौथे दिन क्या किया आपने? चौथे दिन मैंने सीपीयू निकाला था पावर। सीपीयू निकाला? हाँ, 4G मोबाइल से? 4G मोबाइल से दोबारा लगाया। मोबाइल पीसीबी में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं बचा जो मैंने निकाल करके फिर से नहीं लगाया सर, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से लगाया। इधर दूसरे दिन डबल जेकर सीपीयू मैंने रिवॉल्व किया था, तीसरे दिन पावर आईसी रिवॉल्व चालू फ़ोन से रिवॉल्व किया था, फिर चौथे दिन सीपीयू रिवॉल्व किया था चालू फ़ोन के, और चालू फ़ोन 4G हैंडसेट ऑन भी किया था सर। एशिया टेलीकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, एशिया टेलीकॉम की टीम को। जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, चाहे वो चाहे टच के जैक हो, LCD जैक हो, सब जैक हो, बैटरी कनेक्टर हो, ये सब किया हूँ सफाई के साथ बिल्कुल। और मेरा पहले दिन की क्लास थी रिवॉल्विंग, मैंने डबल टेकर इन्वर्टर एंड स्टेंसिल में किया था रिवॉल्व, और दूसरे दिन लाइव 4G फ़ोन से पावर उठा के फिर से लगा के सक्सेस किया था, और CPU भी निकाला था उसको। नेक्स्ट डे क्या किया था आपने? उसके नेक्स्ट डे CPU निकाला था। इसके पहले आप करते थे काम? नहीं नहीं, बस वही चार्जिंग के निकाल के लगा के रिफंड करके ओके कर दिया, चेंज कर दिया। कितनी बार करा था? दो बार किया। और उसके बाद फिर हमारा सेकेंड डे था, पावर आईसी चेंज किया वो भी ऑन सेट से। उसके बाद फिर मैंने पावर मेन सीपीयू सेट ऑन सेट से सीपीयू निकाल करके वापस फिर सीपीयू को। कौन सा सीपीयू लगा? मेरा नाम चंदन सोनी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। पहले हम लोग मदरबोर्ड में काम करने के लिए काफ़ी डरते थे, आप इजीली तरीके से काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट दिन ही MNC CPU रिवॉल्व की, सेकेंड डे चालू फोन से पावर आई से निकाल के लगाई, सेकंड डे डबल डेकर किया, डबल डेकर को यूनिवर्सल स्टेंसिल से किया। हाँ, सेकंड डे डबल डेकर रिवॉल्व किया यूनिवर्सल से, और थर्ड डे पावर आई से चालू फोन से लगाई। अब फोन दोबारा चालू किया, 4G था कि 2G था? 4G था सर, 4G फोन से। अब 2G का ज़माना ही नहीं है, 2G का ज़माना ही नहीं है, अब 4G चल रहा है। चौथे दिन, चौथे दिन हमने चालू फोन से CPU निकाल के रिवॉल्व करके दोबारा फिक्स किया फोन चालू। कितनी बार करा आपने? चार पांच बार किया। जितना हमारे पास टाइम था उतनी बार किया। और अच्छा। आज हम लोग PCB के ऑल कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट्स वगैरह दोबारा रिमूव करके फिर उसको फिक्स किया, चाहे हाइब्रिड सिम ट्रे हो चाहे कुछ भी हो, अरे सारा कुछ आज मतलब प्रैक्टिकल फुल किए हैं। नाम अरमान है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज मेरी क्लास थी प्लास्टिक कनेक्टर को, जितने भी किसी भी प्लास्टिक कनेक्टर लगे हुए सबको रिमूव कर रहा और उसको प्रॉपर वे में लगाना ताकि जल्दी भी लेना, तो मैंने अच्छे तरीके से किया और सेफ वे से किया। उसमें मतलब कोई भी एक भी मेरा डैमेज नहीं हुआ। मेरा सिम ट्रे पहले लगाने से डरता था, हल्का हिट मारता था, जल जाता, क्योंकि उसका किसी चीज़ की हमको नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज सर ने बताया तो मैंने हर एक कंपोनेंट को एक एक वन बाय वन करके निकाला और वन बाय वन करके लगाया। क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू SI टेलीकॉम एंड थैंक यू पर्सनली देव सर। बताइए अपना। जी सोनू है सर। कहाँ से आया हो? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ तो सोनू, सेकंड डे आपने क्या किया था SI टेलीकॉम में? डबल डेकर CPU लगाया था, पोल पे लगाया, रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, रिवॉल्व किया था आपने। कौन से स्टेंसिल से करा था? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। थर्ड डे क्या किया आपने? थर्ड डे CPU पावर लगाया। पावर आईसी? जी, पावर आईसी लगाया, पावर आईसी निकाल के लगाया। और फोर्थ डे क्या किया आपने? फोर्थ डे CPU रिवॉल्व करके लगाया। कितनी बार लगाया आपने? पाँच बार लगाया आपने। और आज क्या किया आपने? आज किसी भी का सब जितने कंपोनेंट होते हैं सबको निकाल के वापस लगाए। तो कोई जला क्या कंपोनेंट आप? नहीं जला। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आप? SI टेलीकॉम के लिए धन्यवाद देना। पहले दिन क्या किया आपने? पहले दिन MMC हाँ रिवॉल्व करके लगाए। ठीक है, सेकंड डे क्या किया आपने? सेकंड डे पावर आईसी। सेकंड डे यूनिवर्सल स्टेंसिल से कौन सा CPU रिवॉल्व करा आपने? डबल डेकर। तीसरे दिन क्या किया आपने? चालू मोबाइल से पावर आईसी निकाल कर हाँ फिर लगाया। हाँ, दो तीन बार लगाया। तीन बार लगाया। कोई तुक्के में तो नहीं लगी थी ना? प्रॉपर तरीके से लगी थी। चौथे दिन क्या किया आपने सर? चौथे दिन में CPU रिवॉल्व करके हाँ फिर लगाया। और आज क्या क्लास थी आज आपकी? आज बोर्ड से सब कंपोनेंट सब निकाल के सिम ट्रे मेमोरी ऑल कंपोनेंट। तो कोई जला है आपका कंपोनेंट? नहीं सर। नहीं जला सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे आप?
एशिया टेलीकॉम को थैंक यू बोल रहे हैं किया सर और तीसरा दिन पावर आईसी किए कितनी बार करी पावर आईसी ऑन मोबाइल के कितनी बार निकाल के लगाई आपने तीन से चार बार निकाल कर लगाए चारों बार ऑन हो चुका सर अच्छा सीपीयू निकाल कर ऑन मोबाइल से सीपीयू निकाल कर ऑन किया सर अच्छा दो बार तीन बार भी निकाल कर फिर लगा कर ऑन किया वो भी पूरा सक्सेस हो गया सर दिन में सर सीपीयू एमएन से रिवॉल्व किया दूसरे दिन में आपने क्या किया था दूसरे दिन डबल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व किया तीसरे दिन में एक चालू फोन से सर पावर आईसी को निकाला रिवॉल्व किया फिर उसको ऑन किया और चौथे दिन में सर सीपीयू निकाल के रिवॉल्व किया था चालू हुआ था फोन चालू हो गया आज क्या कॉन्सेप्ट था आपका आज सर एक पीसीबी से जितने भी कंपोनेंट्स हैं प्लास्टिक कंपोनेंट एक्सटर्नल जितने भी कंपोनेंट हैं सारे निकाल के लगाने के कॉन्सेप्ट है आज हां जी सर तो आपने निकाला लगाया एकदम सर सेफली तरीके से लगाया जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे बच्चों ने निकाला या फिर बस आपने निकाला नहीं नहीं टोटली सबने सर अपना डुअल डकल का सैमसंग का रिवॉल्व किया था आपने जी और तीसरे दिन में क्या किया आपने तीसरे दिन पीएम किया था लाइव मदरबोर्ड से चालू फोन से और चौथे दिन में चौथे दिन हमने अपना सीपीयू किया था और अब क्या कर रहे हैं आप अब हम कर रहे हैं अपना मदरबोर्ड से प्लास्टिक कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं बिना ये निकाल रहे हैं मैंने सारे मेरा नाम विकास यादव है मैं झारखंड से हूँ झारखंड से तो विकास सबसे पहले दिन आए थे और आते ही क्या किया आपने सर सबसे पहले दिन हमने एमएमसी रिवॉल्व किया सेकंड डे क्या किया आपने सीपीयू रियल सर जी कौन सा सीपीयू 4G कौन से स्टेंसिल से यूनिवर्सल से सर डबल डेकर करा था जी सर डबल डेकर भी करा था जी सर 4G सादा भी करा था जी सर सक्सेस हुआ था सक्सेस कितनी बार हुआ था तीन चार बार किए थे थर्ड डे क्या किया आपने चालू मोबाइल से पावर ऐसे निकाल के फिर से लगा के चालू किए फोन अच्छा पावर कितनी बार लगाई आपने सामने पावर बहुत बार लगाया चार पांच बार लगाया सक्सेस हुआ था नहीं लगी थी नहीं सर सीपीयू निकाल के वापस फिर लगा के चालू भी किया था कितनी बार तीन बार जी सर तीनों बार डन हुआ था जी सर तुक्के में लगा था क्या नहीं सर तीनों बार आज क्या था आपके आज तो सर ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स रिमूव करके फिर से लगाना सर अच्छा तो कोई सा कंपोनेंट बचा है क्या नहीं सर सब निकाल के लगा नहीं सकते नहीं, किसी भी में से इस पे निकाल के नहीं लगा सकते सब लगा सकते हाइब्रिड सिम ट्रे सब सर चौथे दिन क्या किया चौथे दिन सीपीयू निकाला था और आज क्या किया आपने सर आज मदरबोर्ड में जितने प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं सबको उतार कर और दोबारा से लगा कर चालू किया डबल डेकर सर कौन सी स्टेंसिल से डबल डेकर करा था सर वो भी यूनिवर्सल से जी सर कितनी बार करा था सर मैंने करा तीन बार किया हाँ सर जिसमें कि सर पहली बार तो हुआ नहीं था अच्छा लेकिन उसके बाद फिर हो गया सर ने ट्रिक बताई थी सर ने तो हो गया था सीपीयू निकाला था जी सर कितनी बार करा आपने सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके वापस चालू कितनी बार करा वो सर मैंने दो बार ही करा था जी सर तो इसके पहले काम करते थे क्या नहीं सर सर इसी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं डर लगता था सर तो और आज क्या किया और आज तो सर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट सर सारे निकाल दिए A to Z सारे निकाल दिए जी सर और लगा भी लिए मतलब लगा भी रहा हूँ भी आधे रह गए बाकी लगा रहा हूँ जी सर जल रहा है क्या नहीं सर जल भी नहीं रहा क्या दिन आपका शुरुआत कैसी हुई थी आपकी सर पहले दिन हम लोगों ने EMMC IC रिवॉल्व करी तो ये पहले करते थे कि जीवन में पहली बार करते सर मैं पहले SMD को छूता भी नहीं था छूते भी नहीं थे ऐसे बिल्कुल सर उस लाइन में यस सर और सेकंड डे क्या किया आपने सर सेकंड डे हम लोगों ने यूनिवर्सल स्टेंसिल से डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया चार बार किया यस सर तो कैसा लगा था चार बार रिवॉल्व बहुत अच्छा लगा सर और थर्ड डे क्या किया आपने सर थर्ड डे सर मैंने घर से जियो फोन लेके आया था साथ में दो तीन एक खोला उसमें से पावर आईसी निकाली और निकाल के पहले एक बार किया तो अच्छे से लगी नहीं थी दूसरे बार फिर लगाया मैंने निकाल के लगाई और फोन चालू कर लिया वापस कितनी बार ये प्रोसेस करी सर दो से तीन बार हर एक बार करी कैसा लगा था आपको बहुत मजा आया था सर फिर चौथे दिन क्या आपने मिरेकल करा था सर दूसरे जियो फोन का पावर मदरबोर्ड बोल रहा हूँ मैं सीपीयू निकाल के मैंने उसको वापस लगाया था दो बार तो दोनों बार मोबाइल चालू हुआ दोनों बार चालू तुक्के में लगा था कि रियल में लगा तुक्के में से कैसे चालू हुआ सर फोन एशिया टेलीकॉम की देन है सर ऐसे थोड़ी फोन चालू होते तुक्के में अच्छा और आज क्या किया आपने आज मैंने ये फोन में से जितनी भी प्लास्टिक की वो है कनेक्टर सारे निकाल के वापस लगाए हैं मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं तो सीपीयू निकालना हूँ कौन सा फोन है ये MI Y1 है जी तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं
सर।